वेलकम बैक टू स्मार्ट लर्निंग। तो आज के वीडियो में हम लोग एडिशन ऑफ फ्रैक्शन देखने वाले हैं, यानी कि जो अपॉन में संख्याएं होती हैं उन्हें कैसे जोड़ा जाता है, प्लस किया जाता है, ऐड किया जाता है और डिनोमिनेटर अलग हो तो फिर क्या करना है, सब देखेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, और अगर आप नए चैनल बनाए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चैनल, क्योंकि मैं ऐसे अमेजिंग वीडियोस लाती रहती हूँ। चलिए बिना किसी देरी लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एग्जाम्पल लिख लिया है जहां तीनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, 2, 2, 2, ठीक है। तो हमें प्लस करना है 1/2 प्लस 5/2 प्लस 6/2, ठीक है। आपको हमेशा ये याद रखना है जब भी आप फ्रैक्शन का एडिशन करें या फिर सबट्रैक्शन करें, तब जो डिनोमिनेटर होते हैं वो सेम होने चाहिए तीनों फ्रैक्शंस के, ठीक है। तीनों या चारों या कितने भी फ्रैक्शंस का आप कर रहे हैं उनके डिनोमिनेटर हमेशा सेम होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को बिना छेड़े आपको ऊपर जो भी नंबर दिए हैं न्यूमरेटर में, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला पार्ट होता है वो डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, हमें पता है। तो हमारे जो न्यूमरेटर्स हैं उन्हें प्लस करना है, ठीक है। तो आप इसे लिखेंगे कैसे, 1 + 5 + 6/2। तो यहाँ पर 2 जो है वो तीनों के अपॉन में, इसलिए मैंने होल अपॉन 2 लिख दिया, ठीक है। अब इसको प्लस कर लीजिए, कितना आंसर आ गया, 1 + 5 हो जाएगा 6 और 6 + 6 12, तो 12/2। अब ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो चीजें कट सकती है तो आप काट देंगे, क्यों नहीं काटें। तो 2 × 1 = 2 एंड 2 × 6 = 12, तो ये हो गया 6/1 यानी कि 6। दिस इज अवर आंसर। तो ये बहुत ही इजी जो है क्वेश्चन था, हमें पता है कि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को प्लस कर लेना है, आंसर आ जाएगा, कट रहा हो तो बाद में काट भी देना, ठीक है। अब हम चलते हैं ऐसे क्वेश्चन पे जहाँ पे इनका जो डिनोमिनेटर होगा वो अलग होगा। अब आ गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल जो कि है 1/9 + 5/12, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है। अभी हम लोग सिर्फ दो फ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में हम तीन फ्रैक्शन का भी सीख लेंगे विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक का डिनोमिनेटर क्या है 9, दूसरे का क्या है 12। जब भी आपको ऐसा आए आपको याद रखना है कि फ्रैक्शन एड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते जब तक उनका डिनोमिनेटर सेम ना हो। तो यहाँ पे हमें दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। और उसको सेम करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारे डिनोमिनेटर है ना 12g और 9g, 9g और 12g, इनका जो है हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देखो दिख रहा है कि 12 जो है वो 2 से हो रहा है, 2 × 6 = 12, यहाँ पे 9 का 9, 2 × 3 = 6, 9 का 9 एंड 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 3 × 3। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमने एलसीएम जो है वो निकाल लिया है। अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 और 12 × 3 = 36। तो यहाँ पे जो हमारा एलसीएम है गया है वो क्या है, 36। अब आपको क्या करना है कि ये जो 36 है ना, इसे इसके डिनोमिनेटर में मिलाना है, इसके डिनोमिनेटर में मिलाना है, ठीक है। कुछ तो करना है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे 36 आ जाना चाहिए दोनों में। तो हम पहले क्या करेंगे, 1/9 को हटा के जो है वो 36 लाएंगे। 9 को हटा के 36 लाना बहुत सिंपल है, मेरे को दिख रहा है कि 9 में अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 4 का तो हमारा नीचे 36 आ जाएगा। यहाँ अगर मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया मतलब 9 × 4 का 36 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो कर देते हैं भैया किस बात की देर है, 9 × 4 = 36। अब नीचे जो किया है उसे हमें ऊपर भी करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं भैया, ये दोनों जुदा जुदा तो है नहीं, एक शरीर है तो दोनों में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे × 4, तो यहाँ पे भी × 4 करना पड़ेगा, 9 × 4 = 36 और 1 × 4 = 4 ही होता है, तो 4/36। अब ये कट रहा है हमें दिख रहा है, लेकिन काटेंगे क्या, नहीं काटेंगे, क्योंकि इसे काटा तो वापस 1/9 आ जाएगा जो हमें नहीं चाहिए, हमें तो बस डिनोमिनेटर में 36 चाहिए, ठीक है। और 36 यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से 5/12 का कर लेते हैं, 5/12 का करेंगे, 12 में कितने का मल्टीप्लाई,
मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए 3 का, तो यहाँ 3 का किया है तो ऊपर भी 3 का करना पड़ेगा राइट। तो 12 3 जा 36, 5 3 जा 15, ठीक है। अब इसे काटेंगे क्या? नहीं काटेंगे, क्यों? क्योंकि वापस 5 बाय 12 आंसर आ जाएगा, तो हमें इसे नहीं काटना है, ठीक है। तो ये हो गया 15 अपॉन 36। अब आपको दिख रहा है कि दोनों के डिनोमिनेटर 36 36 हो गए, सेम हो गए। अब आपको क्या करना है, न्यूमरेटर प्लस कर लेना है। तो ये हो जाएगा 4 by 36 प्लस 15 by 36 इज इक्वल टू 4 plus 15 by 36 इक्वल टू 15 plus 4 19 हो जाएगा, 19 by 36। अब ये कट रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कट रहा, क्योंकि 19 इज अ प्राइम नंबर, इसलिए किसी के टेबल में नहीं आता, 19 अपने टेबल में ही आता है, तो ये नहीं कट रहा है। ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो हमने देख लिया कि हमें डिफरेंट डिनोमिनेटर्स को कैसे ऐड करना है। आपको क्या करना है, बस जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लेना है, फिर जो एलसीएम आता है उसे किसी भी हालत में डिनोमिनेटर में ले आना है, और आप मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे कि वो आ सकता है। ऐसा नहीं होगा कि 12 के टेबल में 36 नहीं आ रहा हो, क्यों? क्योंकि हमने इन दोनों का ही तो एलसीएम लिया है, इन दोनों का एलसीएम लिया है, तो 36 ऑब्वियसली दोनों के टेबल में आएगा राइट। तो यहाँ पे थे दो नंबर, अब क्या हो अगर ये 3 हो, चलिए वो भी देख लेते हैं। अब आ गया हमारा थर्ड एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आपको क्या करना है देखते हैं। 2 by 3 plus 6 by 9 plus 9 by 12। अब हमारे जो फ्रैक्शन है वो 2 नहीं है, 3 है, और नंबर्स भी बढ़ चुके हैं, संख्याएं भी बढ़ चुकी हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपल ही आपको दिख रहा है कि तीनों के जो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इनका हमें एलसीएम ले लेना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि क्या एलसीएम होता है 3 9 और 12 का, ठीक है। यही है डिनोमिनेटर 3 9 12, यहाँ पे हमने 3 9 12 लिखा है, ठीक है। अब हम करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 12 जो है वो 2 से जा रहा है, तो 2 6 12 देन 2 3 6, अब 3 1 3 3 3 9 एंड 3 1 3, यहाँ पे भी 3 1 3 1 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चलिए कर लेते हैं इसे मल्टीप्लाई। तो 2 2 4 4 3 12 12 3 36, अरे भैया आ गया, चलो 36 लाना है हमें तीनों में, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं 2 by 3 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे भैया 36 आ जाए? नहीं पता, 36 को डिवाइड कर लीजिए 3 से, यानी कि 12 का अगर मैं 3 में मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारा आंसर 36 आ जाएगा। तो नीचे हमने 12 का किया है तो ऊपर भी 12 का करना पड़ेगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आंसर आ गया, 12 को 3 से करते हैं तो 36 आंसर आ गया ऑब्वियसली। अब आपको क्या करना है, अब आता है 6 by 9, 6 by 9 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाए, 9 4 36 4 9 36, तो 9 4 36 नीचे जो किया है वही ऊपर भी करेंगे, 6 4 24 9 4 36, फटाफट कर रहे हैं कि नहीं आप भी कॉपी में। अब आपको क्या करना है, 9 by 12 का कर लेना है, 9 by 12 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करें, ठीक है। नीचे जो किया है वही ऊपर करना पड़ेगा, 9 3 जो होता है 27 एंड ये हो जाएगा 36। अब आपको दिख रहा है कि तीनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो चुके हैं, तो अब आपको क्या करना है, 24 by 36 plus 24 by 36 24 by 36, अच्छा ये दोनों सेम है, वाओ मुझे अभी रियलाइज हुआ। उसके बाद 27 by 36, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है तीनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब हम कर लेते हैं प्लस 24 प्लस 24 प्लस 27 by 36 इज इक्वल टू 24 प्लस 24, कितना हो जाएगा 48 48 प्लस 27 75, तो हम कर लेंगे से 75 by 36। अब ये कट रहा है क्या? हाँ जी ये तो कट रहा है, तो चलिए काट देते, कोई दिक्कत थोड़ी ना है हमें। तो यहाँ पे 3 से कट रहा है, तो 3 2 6 एंड 3 5 15 3 1 3 3 2 6
है, तो ये आ गया हमारा आंसर अपकट नहीं रहा तो हम नहीं काटेंगे, और ये आ गया हमारा आंसर 25/12, यानी कि इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 25/12 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप यू लाइक इट, शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, क्योंकि उन्हें भी ऐसे आपको आपको हेल्प करना चाहिए, राइट। और डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और कमेंट कर देना कि आपको और कौन से वीडियोस देखने हैं, ताकि मैं आपकी डिमांड पर भी और वीडियोस ला सकूं। अगर आप चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू योर चैनल, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले